हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा जो मोर्फो की फिंगरप्रिंट मशीन होती है उसमें टेलीमेट्री फेल का इशू आता है, टेलीमेट्री फेल का प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं। स्क्रीन पर आप दो ऐप देख पा रहे हैं, जल्द केस नाम की जो ऐप है उससे मैं जो अंगूठे के यूज़ करके या जो फिंगर का यूज़ करके हम बैलेंस चेक करते हैं किसी भी बैंक का या किसी बैंक खाते का पैसा चेक करते हैं उसके लिए मैं जल्दी कैश को यूज़ करता हूँ और इसमें AEPS की सर्विस उपलब्ध है। मैं दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं मोर्फो का SCL RD सर्विस। ये मोर्फो फिंगरप्रिंट मशीन चलाने के लिए इसको हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना रहता है। अगर आप मोर्फो फिंगरप्रिंट मशीन का यूज़ कर चुके हैं तो आपको भी पता होगा कि हमें RD सर्विस मोर्फो का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो टेलीमेट्री फेल्ड का इशू आता है वह क्यों आता है। जब भी हमारी जो फिंगरप्रिंट मशीन की RD सर्विस होती है, भले वह 1 साल की हो या 2 साल की हो, जब भी वह ख़त्म होती है तो उसको हम रिन्यू करते हैं ना, तो रिन्यू ऑनलाइन जैसे हम करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन रिन्यू हो जाएगी। लेकिन जो हमारा मोर्फो RD सर्विस का ऐप है उसमें यही दिखाता है कि इसकी जो सर्विस है वह ख़त्म हो चुकी है। इसलिए जो हमारे मोबाइल में RD सर्विस इंस्टॉल होती है उसमें जब भी हम अपना फिंगरप्रिंट अटैच करते हैं तो वह टेलीमेट्री फेल दिखाता है, चाहे वह आपकी RD सर्विस उसमें चालू हो भी गई हो। तब भी टेलीमेट्री फेल को हटाने के लिए हमें अपना जो मोर्फो RD सर्विस है उसे ऐप को हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद हमें दोबारा प्ले स्टोर पर जाकर RD सर्विस जो ऐप है उसको दोबारा से इंस्टॉल करना रहता है। तो हटाने के बाद आप उसे इंस्टॉल करेंगे, मेरे में भी इंस्टॉल है, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ इसको और वापस से इंस्टॉल आपके सामने करके दिखाऊंगा। इंस्टॉल करने के बाद आप फिंगरप्रिंट मशीन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोर्फो RD सर्विस मेरे फ़ोन में इंस्टॉल होने लगा है। मेरी फिंगरप्रिंट मशीन में भी सेम इशू आया था टेलीमेट्री फेल्ड का, उसको मैंने जो ऐप है इसको अनइंस्टॉल कर दिया था और वापस से इंस्टॉल कर दिया था तो जो मेरी मशीन है मोर्फो की वह चलने लगी थी। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने फ़ोन में लगाकर जो मेरी मोर्फो की मशीन है फिंगरप्रिंट मशीन, उसको जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा अभी देखिए रेडी फॉर यूज़ दिखाएगा, अब टेलीमेट्री फेल नहीं दिखाएगा। मैंने अपनी मशीन कनेक्ट कर दी है, USB डिफ़ॉल्ट मांग रहा है तो मैंने चेक मार्क कर लिया है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो डिवाइस है वो रजिस्टर होने लगी है, थोड़ी देर में रजिस्टर होती है रेडी फॉर यूज़ दिखा देगा। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी मशीन अब यूज़ करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो ये था दोस्तों टेलीमेट्री इशू को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप टेलीमेट्री जो फेल्ड दिखा रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे आप हटा सकते हैं, ये कुछ टिप्स थी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। जिस भाई को मोर्फो की फिंगरप्रिंट मशीन में टेलीमेट्री फेल्ड का इशू होता है उनके साथ यह वीडियो शेयर कीजिएगा। और मेरी जो फिंगरप्रिंट मशीन है उसका मैं आपको RD सर्विस की वैलिडिटी भी दिखा देता हूँ। RD सर्विस की वैलिडिटी जानने के लिए RD सर्विस हमें टाइप करना है, टाइप करते ही RD सर्विस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर चले जाना है। जाने के बाद आपको अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट में जाकर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर और रिन्यू और चेक वैलिडिटी वाले ऑप्शन नज़र आएंगे, आपको चेक वैलिडिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऊपर आपकी मशीन का सीरियल नंबर डालने को कहेगा, तो जो भी आपकी मोर्फो मशीन का सीरियल नंबर है वह आप टाइप कर सकते हैं। मैं अपनी मशीन का सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ, टाइप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 8 जनवरी को इसकी RD सर्विस रिन्यू कराई है जो कि 7 जनवरी 2022 तक चलेगी और 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी।